हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलिटी ऑफ EMS कॉलेजेस। हालांकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक वो हकीकत पता चलेगी जिसमें अभी तक आपने जितना अपना वक्त लगाया ना यूट्यूब पे, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, न जाने कितने चैनल्स को देख रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस पता चल रहे हैं कि वो तो कह रहा है ये अच्छा है, वो कह रहा है ये अच्छा है, ये सारे फंडे आपके खुल जाएंगे, आपका दिमाग जो है ना काम नहीं करेगा कि अब क्या करें। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अगर वीडियो को स्किप करना है तो हटा दो, है ना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको एक ऐसे रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूँ जिसमें कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आपका जितना रिसर्च है ना, जितना इनोवेशन है, आपने जितने वीडियोस देखे हैं, कहीं ना कहीं 99% उसमें से गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे नीचे गालियाँ देंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे ऑथेंटिसिटी, जेन्यूननेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़िंदगी में पैसा कम कमाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस इंसान से आप कमा रहे हो कभी उससे नजरें ना मिला पाओ। मैं चाहूँ तो आप लोगों को 2 मिनट में मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, 2-4 बच्चे ला सकता हूँ पकड़ करके, उनके थ्रू रिव्यू दिला सकता हूँ, अपने चैनल पर रिव्यू डाल सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काउंसलर हूँ। बहुत सारे कमेंट ऐसे नीचे आ जाएंगे जिसमें सब बड़ाई कर रहे होंगे कि ये सबसे अच्छे काउंसलर हैं, इनका वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को मैनिपुलेट करना, क्योंकि आप अभी नए हैं, आपको इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप पेरेंट्स हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप गार्जियन हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आप अपनी फील्ड में भले ही बड़े महान होंगे, जॉब कर रहे होंगे या कोई ना कोई चीज़ है जिसपे आप बहुत अच्छा पकड़ होगी, लेकिन प्राइवेट BMS के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। प्राइवेट BMS इज जस्ट लाइक एन इल्यूजन। जितना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर दिखेगा। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ को आप जितना बेहतर देख रहे हैं ना, जिस कॉलेज को जितना अच्छा समझ रहे हैं, अंदर जाने के बाद आप उतने ही मायूस होगे, उतने ही फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, किसी काउंसलर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने फेस करी है, क्योंकि मैं भी जब आया था तो मुझे भी इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने भी कभी नहीं जाना BMS क्या होता है। हालांकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल से ही रही है, लेकिन आयुर्वेदा के बारे में मेरे परिवार में कोई भी BMS डॉक्टर नहीं है। मेरा रोज का हॉस्पिटल जाना आना, मम्मी को लेकर के आना, छोड़ने जाना, लेकिन कभी भी मुझे आयुर्वेदा के बारे में नहीं पता चला। तो कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि आपको तब महसूस होती है जब आपके साथ वो होती है, तो वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा दिल और दिमाग को खोल के रखना, मेरी बातों को समझना, और एक चीज़ कह दूँ कि मेरी जो बातें होंगी वो उनके लिए हैं। कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, अगर आप समझदार हैं तो मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज अभी भी स्किप कर दीजिए, बहुत सारी और चीज़ें हैं उनको देखिए। लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। आफ्टर इंटरिंग इन द कॉलेज यू विल रियलाइज कि अरे यार हम तो फंस गए। और आप कोई भी कॉलेज ले लो, आप मेरे से पूछ लो, आप किसी से काउंसलिंग करा लो, किसी के थ्रू भी चले जाओ, कितना भी पैसा दे लो, कुछ काउंसलर 20,000 लेते हैं, कुछ 30,000, कुछ 40, कुछ 50 तक फीस लेते हैं, कुछ 1,000 रुपये में भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ 5,000 में भी कर रहे हैं, आप जिससे कराना चाहो उससे करा लो। आफ्टर इंटरिंग इन द कॉलेज द फर्स्ट थिंग विच यू विल थिंक अबाउट कि अरे यार फंस गए यार, इससे अच्छा तो हम और कोई कॉलेज ले लेते। सच बता रहा हूँ, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो टॉप के कॉलेजेस हैं। बाकी के नीचे के कॉलेजेस अगर आपको मिल रहे हैं तो फिर तो आपको भी पता है कि अरे यार मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, चलो मिल ही गया यही बहुत है, तो फिर तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है। बात उनके लिए, इतना पैसा खर्च किया, इतनी रिसर्च करी, उसके बावजूद भी आज अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा परेशान होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने लाइफ के बारे में सोचते रह जाएंगे कि आगे मेरा क्या होगा, इस कॉलेज में तो पेशेंट ही नहीं हम क्या सीखेंगे, डॉक्टर जैसी तो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, क्या बनेंगे डॉक्टर हम,
और ये मैं सच बता रहा हूँ, आप 4.5 साल तक पीएमएस करने के बावजूद भी आपको ये कभी दिमाग में नहीं आएगा कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हो रही होगी। आपको ये रियलाइज़ होगा कि इससे ज़्यादा तो कोचिंग में जब पढ़ाते थे तब हमें लगता था कि हाँ हम डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन बीएमएस में तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ाया जा रहा है। खैर ये तो अंदर की बात है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग ऊपर ऊपर की बात करते हैं, अभी हम लोग मलाई के बारे में बात करते हैं, फिर दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसके बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सतर्क कैसे रहते हैं, वो देखा ना सावधान इंडिया, सावधान इंडिया तो देखो तो क्या लगता है, अरे यार कहीं मेरा दोस्त ही तो नहीं है जो मेरा खून कर देगा, कहीं मेरे अपने ही तो नहीं है जो मेरा बुरा चाहते हैं। तो मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सावधान रहना। YouTube में जब भी कभी आप वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पूरा कॉलेज का व्यू दिखाया जाता है, हालांकि मेरे वीडियोस में ऐसा नहीं है, मैं एक छोटा सा मतलब अभी तो मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरे पास एज सच बहुत बड़े बड़े कैमराज नहीं हैं, है ना, मेरे पास ड्रोन नहीं है कि मैं पूरे कॉलेज का व्यू दिखा सकूँ, मेरे पास अपना छोटा सा एक मोबाइल है उसी के थ्रू मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद जो मुझे लगता है या किसी बच्चे से मैं बात करता हूँ वो मुझे जो बताता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप जो भी कॉलेज देख रहे हैं या जो बच्चों का रिव्यू देख रहे हैं ना, वो बच्चे कभी भी जेन्यून नहीं होते। जेन्यून का मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्चे फर्जी हैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ते, जेन्यून इन द सेंस कि अगर मैं आपको कैमरे के सामने खड़ा कर दूँ ना तो हड़बड़ाएंगे, डगमगाएंगे कुछ बोलने में, लेकिन वो बच्चे देखिए कैसे बोल रहे हैं, वो बच्चे देखिए वेल अप टू डेट एकदम खड़े हैं, एप्रेन भी पहने हैं, उसके बाद आई कार्ड वगैरह भी डाले हैं। आई कार्ड मैं आपको बता दूं प्राइवेट कॉलेजेस में बनवाए जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा एज सच आपको डाले हुए नहीं मिलेगा। आप कभी कॉलेज विजिट करना चाहिएगा, आपको बच्चे इस तरह से नहीं दिखाई देंगे जिस तरह से वीडियोज़ में दिखाई देते हैं, पूरा एकदम वेल ड्रेस्ड होंगे, आई कार्ड डला होगा। आई कार्ड का मेन काम क्या होता है, आई कार्ड बच्चों के लिए बनाया गया था कि सेकेंड में पढ़ता है थर्ड में पढ़ता है कहीं खो ना जाए, तो उसे मालूम नहीं है पापा का मोबाइल नंबर क्या है, उसे ये मालूम नहीं उसके पापा का नाम क्या है, बोल नहीं पा रहा वो ठीक से, अभी छोटा है बेचारा, उसे उसका घर का एड्रेस नहीं मालूम है, तो ये सारी चीज़ें एक आई कार्ड में दी गई थी कि कहीं बच्चा अगर खो जाता है तो किसी को मिले तो वो उसका आई कार्ड देख करके पहचान ले कि इसका नाम ये है, इसके पापा का नाम ये, मोबाइल नंबर ये और इसका एड्रेस ये, तो उस बच्चे को वहाँ पहुँचा दिया जाए। आई कार्ड का इतना सा काम होता था, लेकिन आजकल बीएएमएस में आप डॉक्टर बनने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे नहीं समझ में आता कि आप आई कार्ड क्यों डाल के घूमते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप फॉर्मल में रहते हैं, उसके बाद आप आई कार्ड डालते हैं तो अच्छी बात है, पता चलता है कि आप कोई अननोन नहीं है, इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए मैं मानता हूँ, लेकिन स्टूडेंट जब आपको ड्रेस में दिख रहा है तो फिर आई कार्ड की क्या ज़रूरत है। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, मेरा व्यू अलग हो सकता है, उनका व्यू अलग हो सकता है। तो आप देखिए कि वीडियोस किस तरह से सोफिस्टिकेटेड ढंग से एकदम बनाई जाती है, हर बच्चे से एक एक क्वेश्चन किया जाता है और उतना ही बोलने दिया जाता है जितना कि लगता है वीडियो के काम आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैं 2020 में कॉलेज में आया था मैंने भी कहीं ना कहीं वीडियोस देखे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, हर किसी से मेरी अच्छी दोस्ती है, ऐसा नहीं है कि मेरा किसी से लड़ाई है ना, हम सब एक ही कम्युनिटी के हैं, तो मैंने भी एज सच किसी का वीडियो देखा था। तो जब मैं आया तो मैंने उनसे पूछा, सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गया कि आपने तो ऐसा ऐसा बोला था, ये कॉलेज तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो उन्होंने पता है रिप्लाई में क्या बोला, उन्होंने रिप्लाई में बोला कि अरे यार भाई मैं गन पॉइंट पे था। गन पॉइंट का मतलब समझते हो, गन पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ पर बंदूक लगी हो और आपसे बोला जाए कि ऐसा ऐसा बोल तो आप बोलें, वो था गन पॉइंट। अब कॉलेज में गन पॉइंट का मतलब क्या होता है, कॉलेज में गन पॉइंट का मतलब होता है आपके आसपास प्रिंसिपल खड़े हैं या फिर वहाँ के टीचर्स खड़े हैं, फैकल्टी का कोई है या उसके बाद हो सकता है मे बी डायरेक्टर वगैरह भी हो। अब एक बात यह जान लेना कि रियलिटी आप इस तरह से चेक करो कि प्राइवेट कॉलेजेस किसी ना किसी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, सरकार की तो है नहीं, खुद की प्रॉपर्टी है, और खुद की प्रॉपर्टी में अगर कोई इंसान कैमरा लेकर के या 2-4 आदमी को लेकर के एंटर कर रहा है तो क्या आपको लगता है कि सामने से कोई आएगा नहीं, उसे रोकेगा नहीं कि भैया कहाँ कैमरा लेके आ रहे हो। तो जब भी कोई जाता है ना, मैं खुद भी अगर जाता हूँ और अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो मेरे पास भी लोग आते हैं कि भैया आप ऐसे वीडियो कैसे बना रहे हो, तो फिर एक तो मोबाइल की वजह से वो सोचता है कि ऐसे ही होगा, कोई स्टूडेंट विजिट करने आया होगा,
लेकिन कुछ लोगों से मुझे भी बात करनी पड़ती है कि मैं आपके कॉलेज को यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ, तो फिर वो बताते हैं कि आप ऐसा बोलना ऐसा बोलना, तो फिर मैं उस कॉलेज को प्रमोट नहीं करता। आपने भी देखा होगा लखनऊ में 10 कॉलेजेस हैं, मैंने उन 10 में से 10 के वीडियोज़ नहीं डाले हैं। उसके बाद बरेली में भी 7 से 8 कॉलेजेस हैं, मैंने 7 से 8 कॉलेजेस के वीडियो नहीं डाले, कुछ गिने चिने कॉलेजेस के डाले हैं, और मैंने उन कॉलेजेस की वीडियो शेयर किए हैं जो कॉलेज मेरे वीडियो में जैसे दिख रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको भी वैसा दिखेगा। लेकिन इन रियलिटी जो प्रमोट कर रहे हैं, कभी भी कॉलेज जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसा अंदर नहीं दिखेगा। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ये सतर्क करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी का इंटरव्यू देख के, बच्चों का इंटरव्यू देख करके, आप ये मत समझ लेना कि अरे यार ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने तो बच्चों से बात करा दी, बच्चे तो बता रहे हैं यहाँ कैडेवर है, यहाँ अच्छे प्रैक्टिकल्स होते हैं, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैं इतने स्टार दूंगा उन्हें। मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ नहीं देखता। मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मतलब आप तो चलो प्रमोशन करके पैसा लेकर के निकल जाओगे, वो बच्चा कितना सहता है आपको नहीं पता। और आपके लिए मैं बता दूं कि जो चीज़ आप देख रहे हो ना, और जो प्रमोशन कर रहा है उसको जो पैसा मिल रहा है ना, वो आपकी जेब से जा रहा है। आपको लग रहा होगा हम तो फीस दे रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का पैसा भी आपसे ही लिया जाएगा, और कॉलेज लेगा। जब आप अंदर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं है मेरे दोस्त। आप जो वीडियोस देख रहे हैं ना, इसका भी पैसा आपको ही देना होगा, समझे। ये जो प्रमोशन कर रहे हैं ना, ये काउंसलर्स को जो कॉलेज पैसा प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कॉलेज अपनी जेब से नहीं देता, आपसे लिया जाएगा। आपको शौक है ना वो कॉलेजेस लेने का, तो पैसा भी आप भरेंगे, ये याद रखिएगा। तो कभी भी जो बच्चे इंटरव्यू के लिए खड़े होते हैं वो आपको सच नहीं बताएंगे, और मैं ये नहीं कहता कि वो जानते नहीं, उनसे आप फ़ोन पे बात करेंगे ना तो कुछ अलग रिव्यू निकल के आएंगे। मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया, मैं नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं बस पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, मार्क्स कितने हैं। तो उसने बताया कि सर मेरे दोस्त हैं उस कॉलेज में, वो बताते हैं कि नहीं यहाँ बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, यहाँ कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, पेशेंट के नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उसका यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो क्या पता शायद उसका दोस्त ही वहाँ खड़ा हो और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता दे, आपको लगे ओ वाह कितना अच्छा है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के वीडियोस को देख करके, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के किसी कॉलेज को ना लें। इसके अलावा खुद की रिसर्च करें, आपकी लाइफ का सवाल है। आपको लग रहा है कि हम उतनी दूर कैसे जाएंगे, हम बिहार के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम कैसे वहाँ के कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज आप सोच रहे ना, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपको ये लग रहा है कि वहाँ जाएंगे तो पैसा लगेगा, तो मैं आपको बता दूं जितना पैसा आज आप बचा रहे हैं ना, 4.5 साल वो कॉलेज दिला लीजिएगा, उससे 40 गुना 50 गुना पैसा ना देना पड़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर आप 5,000 रुपये बचाने की सोच रहे हैं कि अरे यार वहाँ जाएंगे आएंगे, इतना तो हम काउंसलर को दे देंगे, या फिर किसी से काउंसलिंग करा लेंगे, या फिर वीडियोस देख लेते हैं, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, तो मैं आपको बता दूँ उस 5,000 का 50,000 रुपये भरना पड़ जाएगा, सिर्फ इस वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये झंझट में मत पड़िए, किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आइए। मैं देख रहा हूँ जो लोग मतलब खुद भी बीएमएस के स्टूडेंट हैं, उसके बावजूद भी उन्हें मालूम है रियलिटी क्या, फिर भी ऐसा दिखा रहे हैं, है ना, कि बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज। छोड़ो यार, मैंने एक चीज़ हमेशा कही है कि टॉप 10 के कभी भी कॉलेजेस देखना ना, तो 10 बार सोचना उन्हें लेने से पहले, और टॉप 5 के कॉलेज देखना तो 5 बार सोचना। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आई नो कि नीचे मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं, खैर कोई बात नहीं, जो भी है जैसा है, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो मैं हमेशा शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं कॉलेजेस में, मुझे भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि ये कॉलेज विजिट कर लो, ये कर लो, हम करवा देंगे, हम वीडियो बनवा देंगे, हम अपना अच्छा कैमरा दे देंगे, लेकिन भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जो मोबाइल है टूटा फूटा वो बहुत है, और उसी से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे लिए उतना इनफ है। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे कुछ पैसे दें और उसके बावजूद मैं ज़बरदस्ती का प्रमोशन करूं, और फिर कल को वो बच्चा मुझे अगर मिले तो मैं उससे नज़रें ना मिला पाऊं, या वो बच्चा मुझे गाली दे कि अरे यार कहाँ फंसवा दिया, तुम्हारा वीडियो देख करके मैं यहाँ आया था। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ
आज का वीडियो दी एंड करते हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे डीएम कर सकते हैं। हो सकता है रिप्लाई इंस्टेंट ना मिले, मेरे पास और भी काफ़ी सारे काम हैं। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, ऑल टाइम मैं खोले नहीं बैठा रहता हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए, रिप्लाई आएगा। इंस्टेंट नहीं आएगा लेकिन कभी ना कभी ज़रूर आएगा। उसके अलावा मेरी वेबसाइट दी रखी है, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करने से पहले एक बार व्हाट्सअप ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉलेज के रिव्यू के साथ। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ अपने घर में और पर्सनल काम है मेरा। उसके अलावा जैसे ही फ्री होता हूँ तो आपके सामने अब आगरा के जितने भी कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू आने वाला है। तो नीचे कमेंट कर देना कौन कौन से कॉलेजेस आपको आगरा के पसंद हैं, उनका जेन्यून और ऑथेंटिक रिव्यू आपको मिलेगा। कोई भी प्रमोशन, कोई भी बच्चा खड़ा करके उससे मैं नहीं बुलवाऊंगा, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट खुद हूं, मुझे खुद इतनी समझ है कि कॉलेज में जो चीज़ें दिख रही हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर उन बच्चों से जो अभी फर्स्ट ईयर के हैं, जो अभी कल के बच्चे हैं, जिन्हें ठीक से कॉलेज का एंड तक नहीं पता कि हमारा कॉलेज कितना बड़ा है, वो कॉलेज के बारे में क्या ही बता पाएंगे, तो मुझे किसी से कोई रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। मैं इनफ हूँ खुद देखने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।